देख रहे हैं आप की चीफ मिनिस्टर का जो आई प्रोग्राम हो रहे हैं, मनन भी राजीव गांधी ने नाम लिया, ये सपना था छोटी दर्शन से उसको मैंने कहा इसी ढंग से अभी ठीक है। इसी ढंग से जो सपना था राजीव गांधी जी का उसके अनुरूप भी प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी आईटी का जो सोच है जो उनकी सोच थी जो लोग समझे नहीं थे आज इंटरनेट की सेवाएं इंटरनेट के साथ मोबाइल और मॉडर्न पावर इनसे बात करते हैं कि देखते हैं कि वो बहुत दूर दृष्टि से पास होते थे और ये जो माहौल देख रहे हैं आप युवाओं का मैं भी गया वहाँ पर करीब 8,000 युवा बैठे हुए हैं पूरे देश के लोग आए हुए बच्चे और क्या वो अपने तरीके से कंप्यूटर का उपयोग करके नवाचार करना है हेल्थ में शिक्षा में सब क्षेत्र देखते बनता है हमें घर होना चाहिए रास्ता है बहुत आगे बढ़ रहा है इसके अंदर और हमारी प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी आईटी पे गवर्नेंस आता न हो और उसी से हम अपनी योजनाओं को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और बेनिफिट जिस तक पहुँच सकते हैं एक बार भरेगा वो आईटी है उसकी अगर बिना आईटी के हम चलेंगे चलते थे तो चाहते हुए भी इस स्कीमों का लाभ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था वक्त लगता था महीना दो महीना चार अब आप देखते हो चाहे DBT हो चाहे कोई लाभ देना हो सिलेक्शन करना हो तो सिलेक्शन होने लगे आजकल तो पेंशन जिसको मिलनी है उसका आने यूँ तो नहीं है उसकी जैसी एज हुई नहीं और अपना पहले मिलने लगने शुरू हो जाएगी। अभी एक व्यक्ति मुझे बहुत मुझे मिले खड़े थे मैं ये कैसे खड़े पूछा मेरे को तकलीफ तो नहीं है फिर मैंने बताया मैं आज उनको खड़े थे अधिकारी लोग फिर हमने उनको बुलाया डेमो करने के लिए अंगूठा गिर गया जी का क्योंकि गुजरे आदमी अंगूठा गिर जाता है तो वो बायोमेट्रिक कैसे हो सकता है तो आंखों की बायोमेट्रिक से उसको खड़ा किया गया तो कितनी क्रांति हो गई है उसका लाभ हम कैसे उठाएं पहले हम बेंगलुरु की बात सुनते थे कन्नड़ की बात सुनते थे आंध्र की बात सुनते थे अब राजस्थान पीछे नहीं है राजस्थान हर मामले में आईटी को लेके फॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट में जो बाबा साहब बन गया और जो डाटा सेंटर बन गया वो भी उपयोग आ रहा है अब हमारी तमाम स्कीमें जो है वो आईटी पे चल रही है हर विभाग में मैंने आपको याद हुआ पिछली बार 3% बजट मैंने रखा था दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री बना उस वक्त मैंने 3% बजट खाली दिया था आईटी को हर विभाग में इस तरह जंप हुआ उससे अब आप देखिए धीरे धीरे हर विभाग में देखिए ये भी डालने बड़ी बात है हर आदमी कंप्यूटर या उसमें मोबाइल है भी आईपैड है वो उपयोग नहीं करता उसकी हैबिट नहीं है पर आज मुझे खुशी है कि राजस्थान के अधिकारियों ने और अभी जो हमने घोषणा करी है तमाम तहसीलदार और SDO और कलेक्टर भी लगा करके तमाम विभाग के अधिकारियों को भी अब हम देने जा रहे हैं आईपैड को या लैपटॉप जो भी है तो आप सोच सकते हो कि लोगों में हैबिट बन लग गए अब चलाने की आप हम भी जो है मोबाइल फोन होता है स्मार्टफोन ब्रेक भी चलाता है कोई लोग चलाते हैं कोई लोग कम चलाते हैं तो ये जो माहौल बना राजस्थान उसका लाभ राजस्थान वासियों को मिले प्रदेश वासियों को मिले हमारी योजना जो एक के बाद एक हमने लागू की है वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो समयबद्ध हो अभी 250 तो हमने ऑर्डर निकाल दिए हैं जो करीब 1200 के लाख लगभग मेरे ख्याल से घोषणा मैंने करी है 250 ऑर्डर निकल चुके हैं रोड निकल रहे हैं तो इसी रूप में इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि आईटी बेस हम आगे बढ़ना चाहते हैं चाहे टेंडर प्रक्रिया हो चाहे वो और कोई फैसले करने हो कोई दिक्कत नहीं बस फाइल के मूवमेंट भी अगर CS निकालती हैं तो आईटी बेस निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है मोटे रूप से आपको करना था बाकी आप देख आप गए होंगे वहाँ पर मैडम मैं अपील करूँगा कि आप लोग अलग से व्यवस्था कर दें जिससे कि आप ढंग से क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस भी है सब जगह मैं समझता हूँ विस्तार से हैं तो आप लोग आराम से उनको देखें और उसके बाद में फिर अपन और भी मिलेंगे तब बात करेंगे धन्यवाद बहुत विधायक दूसरा क्या बजट पास हुआ है और बजट मैंने घोषणा करी तो खुशी होनी चाहिए आपको
बिल्डिंग पहले बाद में क्या होता है, तो बिल्डिंग के पार्ट है, बिल्डिंग नहीं थी और बिल्डिंग पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ नाराजगी होती देखिए, जब डिले बनाते हैं हर एविडेंस चाहेगा भाई मेरे मन कुछ हो, बाकी पब्लिक जवाब देना पड़ता है, तो हम उनकी नाराजगी दूर भी करेंगे। हम चाहेंगे कि बहुत बड़ा निर्णय हुआ अपने जिले में बनाने का, तो सारी दृष्टि से पूरी गवर्नेंस हो गया। सर ये कब से शुरू होगा, कंप्लायंस किस तरीके से शुरू होगा, डीलों का ये डीले आपने घोषणा कर दी, ये कंप्लायंस कब से शुरू होगा सर, कब से चीजें जो है वो दिखने लग जाएगी कलेक्टर बैठ। अभी देखिए विश्रामसभा बाहर गए हुए आने वाले अंग्रेज 5-10 दिन बाद में, तो वो भी उनसे बातचीत करेंगे